अस्सलाम वालेकुम मेरे जुबैन तनवीर अहमद एस टी होम किचन गार्डनिंग से। तो आज वजह हम एस टी होम किचन गार्डनिंग में स्पेनिश के सीड्स को बनाएंगे, हाउ टू मेक स्पेनिश सीड्स एट होम किचन गार्डनिंग। तो बहुत ही सिंपल है, इनके सीड्स को अपने घर के अंदर तैयार करना। तो अगर आप एक दफ़ा स्पेनिश के सीड्स को परचेज़ कर लेते हैं और आप उनको ग्रो करते हैं, स्पेनिश होती है, उसके बाद आप उसको हार्वेस्ट करते हैं, खाते हैं, तो तकरीबन 2 से 3 दफ़ा जब आप हार्वेस्ट करते हैं, देन उसके बाद आप अगर इसको हार्वेस्ट नहीं करते तो ये इस तरह इसके बीज बनना शुरू हो जाते हैं। तो अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ कि शाखें ये कितनी बड़ी हो चुकी हैं। तो इन शाखों के साथ साथ चलते हैं और देखते हैं ये शाखें कहाँ से यहाँ तक पहुँची हुई हैं। इनको सेव करने का एक तरीका कि आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे स्पेनिश के सीड्स तैयार हो गए हैं या अभी कच्चे हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं कि किस तरह आपको चेक करना होगा कि आपके स्पेनिश के सीड्स तैयार हुए हैं या नहीं। तो पहले हम देख लेते हैं कि ये शाखें किधर से आ रही हैं। तो इन शाखों के साथ साथ हम चलते हैं और इस्लामाबाद जितना हम सफ़र तय करते 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 एक टोकरी को अंदर जा पहुँचे हैं। तो ये एक हमारी टोकरी है तो जिसके अंदर मैंने मिट्टी ऐड की हुई थी और इसके अंदर स्पेनिश को मैंने ग्रो किया था। तो तकरीबन 2 से 3 दफ़ा मैंने जब स्पेनिश को हार्वेस्ट किया, देन उसके बाद मैंने हार्वेस्ट करना इसको छोड़ दिया था। तो इस तरह ये देखें इनकी टहनियाँ बन गई हैं, जैसे एक प्लांट होता है तो ये काफ़ी बड़े प्लांट हमारे बन चुके हैं स्पेनिश के। तो ये काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं स्टोकरी के अंदर, जस्ट आपको इनको पानी देना पड़ता है, पानी इतना ज़्यादा भी नहीं देना होता, बस नॉर्मल पानी इनको चाहिए होता है, आप इनको पानी देते रहें तो इनके जो सीड्स की शाखें हैं वो इस तरह बढ़ती रहती हैं जैसे ये अभी बड़ी हुई हैं। तो ये काफ़ी बड़ी हो जाती हैं और नीचे की तरफ झुक जाती हैं, जैसे ये अभी नीचे की तरफ झुकी हुई हैं। तो अब हम चलते हैं इनके सीड्स को देखते हैं। तो मैं कैमरे को अगर क्लोज़ करूँ तो मैं कैमरे को नीचे रख लेता हूँ। ये एक शाख के ऊपर आप चेक करें कि मुख्तलिफ डायरेक्शन में सीड्स लगे हुए हैं। तो ये सीड्स मुझे पता कैसे चलेगा कि ये सीड्स अभी तैयार हो गए हैं या नहीं? तो आप जैसे इस सीड्स को मैं हार्वेस्ट करता हूँ, रिमूव करता हूँ, तो ये चेक करें मेरे हाथ में जो सीड्स है। अभी मैं इसको मसलूँगा, मतलब इसके ऊपर प्रेशर डालूँगा, प्रेशर डालने से भी हमारा सीड्स रिमूव नहीं हो रहा, टूट नहीं रहा, तो ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो चुका है। तो अब हम इसको क्या करने वाले हैं, अब हम चलते हैं टोकरी की तरफ। तो ये जितनी भी शाखें हैं इनको हम हार्वेस्ट करेंगे यहाँ से। तो इनको आप यहाँ से इसी तरह काट लें इस जगह से। तो जैसे मैं इनको हार्वेस्ट करता हूँ तो ये काफ़ी हार्ड है, तो चलें इसको मैं किसी टूल की मदद से काटता हूँ यहाँ से, फिर देन आपको बताता हूँ कि हमने इनको काट कर क्या करना है। तो कटिंग टूल आ जाए सामने, आ जाए जल्दी कर जल्दी कर, और ये चेक करें चेक करें। अच्छा जी, ये मेरा कटिंग टूल है जिससे मैं अपने प्लांट्स की कटिंग वगैरह करता रहता हूँ। तो ये टूल भी आप परचेज़ कर सकते हैं, तो गालबन ये मुझे 150 रुपीज़ में मिला था। तो ये बहुत अच्छा टूल है, इससे आप मोटी से मोटी शाखें भी काट सकते हैं। तो अभी हम काटेंगे तो आँ, आँ, तो चलो ये इतना ड्रोना नहीं है, तो अभी हम शाख को काटते हैं, ये चेक करें। तो इस टूल को आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। हमने तमाम के तमाम प्लांट्स की कटिंग कर दी है। तो अब हम इनको काट कर शेड वाले एरिया में रखेंगे। तो इसके दो तरीके हैं, आप इसको शेड वाले एरिया में रखेंगे, 10 से 15 दिन लगेंगे इन सीड्स को सूखते हुए। और दूसरा तरीका, मैंने इसी तरह इन प्लांट्स को रख दिया है, तो इसका दूसरा तरीका, ये जो आप सीड्स लगे हुए हैं इनको आप झाड़ लें ऊपर से। तो यूँ पकड़ेंगे अगर इसको, तो यूँ खींचते जाएँगे तो ये सीड्स उतरते जाएँगे, और सीड्स उतार कर भी आप उनको
शेड वाले एरिया में रखें और वो आसा आसा सूख जाएंगे आपके जो सीड्स हैं, तो फिर देन आप इनको नेक्स्ट ग्रो कर सकते हैं अपने सीड्स को, स्पेनिज के सीड्स को। तो ये एक सिंपल सा तरीका था अपने घर के अंदर ही स्पेनिज के सीड्स को बनाने का। तो चलें हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।